हेलो एवरीवन, मैं आपके साथ मनोज वर्मा और इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक लाइव डेमो दिखाने वाला हूं ओआरबी इंडिकेटर को लेकर। एंड इससे पहले भी मैंने दो वीडियो डाल दी है ओआरबी इंडिकेटर को लेकर, बट उस टाइम की वीडियो में और अब की वीडियो में काफ़ी फर्क है। इंडिकेटर के अंदर काफ़ी सारे अपडेट आ गए हैं और अब इस इंडिकेटर के साथ आप काफ़ी सारे मेथड है जिनके साथ आप काम कर सकते हो, मतलब काफ़ी सारे वे हैं जिसके ऊपर आप काम कर सकते हो। तो आज जो मैं मेथड यूज करने वाला हूँ वो एक पर्टिकुलर मेथड है कि आप ट्रेड पकड़ते हो उसके बाद आप टारगेट लेते हो। कल जो मेथड मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर आप ट्रेड पकड़ते हो और ऑटोमेटिक आपकी ट्रेड करती है, तो वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहले चलते हैं हम अपने ट्रेडिंग व्यू अकाउंट पे। तो ये हमारी वेबसाइट है, ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। एंड अभी हम चलते हैं अपने ट्रेडिंग व्यू अकाउंट पे। मैं ट्रेडिंग व्यू अकाउंट पे आया, 5 मिनट का चार्ट खोल लिया एंड मेरी ये वॉच लिस्ट है, वॉच लिस्ट पे ले चलता हूं मैं आपको। ये वॉच लिस्ट यस बैंक को पहले खोल देता हूं। सबसे पहले यस बैंक के निफ्टी 50 की मेरी वॉच लिस्ट है। सबसे पहले तो आपको इंडिकेटर ऐड करना है। इंडिकेटर हमारे पैड यूजर को मिलेगा, जो भी नेक्स्ट लेवल बोर्ड के मेंबर है उनको ये इंडिकेटर मिल जाएगा। जैसे आपको इंडिकेटर मिलता है आपको क्या करना है, ये आपका इंडिकेटर पैनल, आपको इस पे जाना है। इस पर जाने के बाद आपको इनवाइट स्क्रिप्ट का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। और इस पर क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा, मतलब जो भी इंडिकेटर की एक्सेस है आपके हमने दिए वो आपको यहाँ दिखेंगे। तो मेरे पास वो रहा ये इंडिकेटर कस्टम कैंडल, आपको वन टाइम क्लिक करना है, ये ऑटोमेटिक आपके चार्ट पे अप्लाई हो जाता है। ये देखिए कुछ इस तरीके से अप्लाई हो जाता है। तो इसके अंदर क्या है थोड़ा सा मैं समझा दूं आपको पहले। इसके अंदर एक मिनट, ये मैं थोड़ा सा इसे रिमूव करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इसके अंदर क्या है, चार लाइनें दे रखी हैं। और एक मिनट, पहले मेरे को चार्ट अपडेट करना पड़ेगा, इंडिकेटर अपडेट नहीं हुआ। 2 मिनट दीजिए, मैं दोबारा से सप्लाई करता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ। और अभी हमारे पास टाइम भी कम है क्योंकि फटाफट हमें इस इंडिकेटर को लगाना है। तो मैं पहले इंडिकेटर से कमांड लगा लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि हाँ ये कैसे होगा। तो 5-7 स्टॉक कवर कर लेते हैं जिनमें आज हम काम करेंगे। तो फिर से मैं इन्वाइट स्क्रिप्ट में गया, कस्टम कैंडल इंडिकेटर पर क्लिक करा, ये रहा, एंड ये चार्ट पे अपलोड हो गया, ये अपलोड हो गया। तो इसके बारे में मैं बाद में बताता हूँ काम कैसे करेगा। अभी इन शॉर्ट मैं आपको बता दूं, ये फर्स्ट कैंडल का हाई ये रहा, फर्स्ट कैंडल का लो ये रहा, ये बाय डिफॉल्ट 1% का बफर है और ये बाय डिफॉल्ट 1% का लो साइड का बफर है। ये दो चीज बता दी। तो अभी जो हम पेपर ट्रेडिंग लगाने वाले हैं, इसके अंदर क्या है कि मैंने अपडेट करा है कि आपको पेपर ट्रेडिंग के लिए कोड नहीं डालने पड़ते। तो आपको हमारी वेबसाइट पे जाना है, यहाँ दो यूआरएल होते हैं, ये रियल ट्रेडिंग का यूआरएल है, पेपर ट्रेडिंग का यूआरएल। आपको पेपर ट्रेडिंग वाला कॉपी करना है, मैंने कॉपी करा एंड पेपर ट्रेडिंग वाला कॉपी करने के बाद आपको यहां पर कमांड डालनी। तो पहले क्या हो रहा था, जब अगर आप कोई और अदर इंडिकेटर यूज करते हो तो आपको यहां से पेपर ट्रेडिंग के कोड कॉपी करके डालने पड़ते हैं, बाय सेल के, सेमी ऑटोमेशन के। बट इस इंडिकेटर के अंदर मैंने ऑटोमेटिक इनबिल्ड कर दिए पेपर ट्रेडिंग के कोड, ऑटोमेटिक आ जाते हो। कैसे आते मैं आपको बताता हूँ। हाँ, अगर रियल ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको डालने पड़ेंगे, आप फायर्स पे कर रहे हो, जरोधा पे कर रहे हो, आप स्टॉक पे कर रहे हो, एलेक्स ब्लू पे कर रहे हो, तो उसके हिसाब से आपको डालने पड़ेंगे। तो आते हैं हम यहाँ पर और 5-7 स्टॉक पे अलर्ट्स लगा देते हैं कि कैसे काम करेगा। तो ये ऑटोमेटिक अभी हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में लगा रहे हैं। तो कैसे लगाना है, ये वॉच का आइकन देख रहे हो, इस पर क्लिक करा, इधर गए, इंडिकेटर सेलेक्ट करा। अब जैसे इंडिकेटर सेलेक्ट करोगे इंडिकेटर का नाम, यहाँ काफी सारे अलर्ट्स आ गए। तो पहले मैं बता दूं, ये ऊपर के जो चार अलर्ट्स है ये तो रियल ट्रेडिंग के लिए, कैंडल ब्रेकआउट हाई, कैंडल ब्रेकआउट लो, हाई बफर लो बफर, ये रियल ट्रेडिंग के लिए। जब आप रियल ट्रेडिंग करते हो तो इनमें से कोई सेलेक्ट करते हो अपनी चीजें जो मैं, और उसमें कोड डालते हो अपने रियल ट्रेडिंग के। बट उसके बाद ये नीचे है ना पेपर ट्रेडिंग के लिए, इसके अंदर बाय डिफॉल्ट कोड डाल रखे, एफए का मतलब है फुली ऑटोमेशन का कोड डाल रखा है, एसए का मतलब है सेमी ऑटोमेशन का कोड डाल रखा है। तो अब आपको सेलेक्ट करना है। तो मैं अभी बाय बफर बाय साइड लेता हूं एंड ये हम सेमी ऑटोमेशन में चला रहे हैं, तो हम ये लेंगे ये पेपर ऐसे, ऐसे का मतलब पेपर ट्रेडिंग सेमी ऑटोमेशन कैंडल हाई ब्रेकआउट। तो हमने ये ले लिया, ऑटोमेटिक आप देखोगे यहां पर कोड अपने आप आ गया। अच्छा, यहाँ यूआरएल चेंज कर देता हूँ, पेपर ट्रेडिंग का यूआरएल डाल देता हूँ, अदरवाइज ऑर्डर नहीं जाएंगे। ये मैंने पेपर ट्रेडिंग का यूआरएल डाल दिया और ये सेव कर दिया, तो ये मेरा अलर्ट सेव हो गया। एंड इसी तरीके से मैं फटाफट अलर्ट बना देता हूँ, हमारे पास अभी 5 मिनट है तो मैं फटाफट अलर्ट बनाता हूँ। आप देखते हैं, ये बाय का बना दिया, सेल का बनाने के लिए दोबारा गया एंड इधर गया, इधर से मैंने कैंडल लो लिया और ये सेमी ऑटोमेशन में लूंगा, ऐसे जो भी कोड लूंगा मैं सेमी ऑटोमेशन में लूंगा, आपको बस ये ध्यान रखना है एंड ये सेव। तो मैंने इस तरीके से सेव करा, ऐसे ही मैं दोबारा इस पे गया, स्क्रिप्ट चेंज करी एंड वॉच के आइकन पे गया। वीडियो को थोड़ा सा आपको है ना स्लो करके देखना पड़ेगा, जब ये चीजें समझ आएगी आपको।
एंड अदरवाइज आपको कुछ समझ नहीं आता, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहां आपको पता चल जाएगा, और दो चार वीडियो डालूंगा तो आपको पता चल जाएगा। तो मैंने पेपर ट्रेडिंग का हाई ले लिया एंड सेव कर दिया, तो कोड ऑटोमेटिक सेव हो रहे हैं, हमारी पेपर ट्रेडिंग ऑटोमेटिक काम करेगी क्योंकि हमने उसके अंदर कोड डाल रखे हैं। पर रियल ट्रेडिंग के लिए आपको कोड डालने पड़ते हैं, जो सेंटेक्स है उसे डालने पड़ते हैं। तो कैंडल लो ब्रेकआउट ले लिया ये रहा, एंड ये हमने अलर्ट्स दो स्टॉक पे बना दिए। तो आज जो मैं मेथड दिखाने वाला हूं, मैंने बताया यहां दो तीन मेथड है काम करने के, पहले मैं एक बार अलर्ट्स डाल दूं आपके सामने फिर मैं आपको दिखाता हूं। तो इधर गए ऐसे कैंडल हाई, ऐसे कैंडल हाई, एंड मैं फटाफट फटाफट ले लेता हूं, चार पांच स्टॉक ज्यादा नहीं, पांच सात स्टॉक लूंगा जिससे कि मैं आपको एक डेमो दिखा सकूं। एंड ये मेरे तीन स्टॉक कंप्लीट हो गए, जिसके भी अंदर कंडीशन बनेगी हमारे ऑटोमेटिक बाय हो जाएंगे, पर अभी ये पेपर ट्रेडिंग में बाय होंगे। अगर आप रियल ट्रेडिंग में ये चीज चाहते हो तो रियल ट्रेडिंग में भी ऐसे ही होती है, बस थोड़ा सा चेंज हो जाता है उसके अंदर, आपको रियल कोड डालने पड़ते हैं जो कि आपको जनरेट करके डालने पड़ेंगे। तो हम गए यहाँ कैंडल लो लिया, एंड ये देखिए कितने ईजी तरीके से मैं अलर्ट्स बना पा रहा हूँ, कोई भी कोड लेने की मेरे को जरूरत नहीं है। ये ओनली फॉर पेपर ट्रेडिंग के लिए ऐसा करना पड़ रहा है, अगर रियल ट्रेडिंग कर रहे होते तो हमें ऊपर वाले में से जो फोर ऑप्शन देख रहे हैं उसमें से कोई सेलेक्ट करना होता एंड हमें फिर चूज करने होते। तो कैंडल हाई ले लेता हूँ एंड एक लो ले लेता हूँ, ये हमारे पांच स्टॉक तो कंप्लीट हो गए, थोड़े से और ज्यादा ले लेते हम, एंड बाद में समझाता हूँ कि कंडीशन जो ये कंडीशन हम बना रहे हैं ये किस बेस पे बना रहे हैं। बस थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं एक बार अलर्ट्स डाल लूँ, क्योंकि अगर मार्केट अच्छा, ये अलर्ट्स मैं पहले से कल शाम को भी डाल के रख सकता था, एंड फिर मेरे को मार्केट के अंदर अगर मैं रियल ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो एपीआई कनेक्ट करनी है और अपने अलर्ट्स जो बनाए उन्हें ऑन करना है, ये चलने लग जाएंगे, मतलब ट्रेडिंग ओपन होने लग जाएगी। और पेपर ट्रेडिंग के लिए मैं जो कल भी बना के रखूंगा तो मुझे एपीआई भी कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इसके अंदर एपीआई होती नहीं, पेपर ट्रेडिंग के लिए कोई एपीआई नहीं है, बस आपको यूआरएल ऐड करना होता है जिसके अंदर आपने बनाए थे। तो कैंडल हाई ले लेते हैं, ये कैंडल हाई लिया हमने, तो हमारा आई थिंक ये हाँ छह स्टॉक ऐड कर दिए हमने, एंड एक बार चेक कर लेते ये कैंडल लो ले लेते, अभी भी हमारे पास दो मिनट है तो जब तक हम दो चार स्टॉक और ऐड कर देते हैं आप ही के सामने। तो ये वॉच के आइकन पे क्लिक करना है और इधर कंडीशन है, कंडीशन के अंदर कस्टम इंडिकेटर, उसके बाद क्या करना चाहते हो, हम कैंडल हाई ब्रेकआउट चाहते हैं है ना, कितनी बार चाहते हैं, ओनली वंस चाहते हैं, एंड ये सेव कर दिया, कोड बाय डिफॉल्ट आ जा रहा है, फिर से हमने लिया, क्या करना चाहते हो, कस्टम इंडिकेटर है, लो ब्रेकआउट चाहते हैं, ठीक है जी, एंड सेव कर दिया इस तरीके से। अब मैं एक और स्टॉक ऐड कर देता हूँ, उसके बाद मैं बंद कर देता हूँ और फिर मैं आपको समझाता हूँ। ये गए एंड कस्टम हाई ब्रेकआउट लिया, इसके अंदर फुल्ली ऑटोमेशन का भी कोड डाल रखा, बट अभी हम उसे यूज नहीं कर रहे, मैंने बताया तीन चार वे है काम करने के, पेपर ट्रेडिंग से भी, रियल ट्रेडिंग से भी, तो वो आपको धीरे धीरे पता चलेंगे, बस मैं अभी आपको एक मेथड दिखा रहा हूं। ये सेव करा एंड दोबारा गए एंड इधर गए, इधर गए, इधर गए, एंड ये लो सेव करा। अच्छा, जो भी हमने कंडीशन बनाई है ऑटोमेटिक आप इस वॉच के आइकन पर क्लिक करोगे आपको यहां पर सेव मिलेगी, जितने स्टॉकों के अंदर हमने ये अलर्ट्स लगाए, तो सारे पूरे स्टॉक दिख रहे, विदांता, एलओसी, सब पे जितने भी स्टॉक पे लगाए, अब जिसके अंदर कंडीशन मैच होगी ऑटोमेटिक अलर्ट्स आएंगे। अब अलर्ट्स आएंगे तो हमारा काम क्या है मैं बता दूं, तो मैंने बताया इधर काफी सारे वे हैं काम करने के, पर जो मैं वीडियो दिखाने वाला हूं आज, जो टेक प्रॉफिट वाली वीडियो दिखाने वाला हूं, पहला वे काम करने का ये है कि आपने, हमें नहीं पता क्या चीज ब्रेकआउट होगी, आपने हाई ब्रेकआउट और लो ब्रेकआउट पे कोड डाल दिया कि भाई जो भी इनमें से हो बाय हो जाए, लो ब्रेकआउट हो तो सेल हो जाए और हाई ब्रेकआउट हो तो बाय हो जाए। एक एग्जांपल के लिए आपने डाल दिया कि 100 शेयर सेल हो जाए लो ब्रेकआउट पे और 100 शेयर बाय हो जाए हाई ब्रेकआउट पे, तो जो भी चीज होगी वो हो जाए, ब्रेकआउट होगी, तो सपोज मानो हाई ब्रेकआउट होता है तो आपके 100 बाय हो गए, तो जो पीछे का जो लो पे जो आपने कमांड लगा रखी होती है ऑटोमेटिक स्टॉप लॉस बन जाती है। तो आपको क्या करना है, आपको अगर आप चाहते हो फुल्ली ऑटोमेशन तो आपको एक इंडिकेटर और लगा देना है कि हाँ भाई इतने बजे मेरी ट्रेड एग्जिट हो जाए, तो एक इंडिकेटर लगाओगे, उसमें टाइम डालोगे, ऑटोमेटिक उस टाइम पे आपके इतने बजे ट्रेड एग्जिट हो जाएगी। बट उसके लिए आपको ब्रैकेट या कवर ऑर्डर लेना पड़ेगा, अगर आप रेगुलर ऑर्डर लेते हो तो आपको थोड़ा सा कस्टमाइजेशन करना पड़ेगा।
वो वीडियो मैं बाद में डालूंगा। अब जो मैं मेथड यूज कर रहा हूँ बजे वाला यूज नहीं कर रहा, उसके अंदर हम टारगेट यूज करेंगे। अगर हमारी बाय या सेल पोजीशन आती है उसके बाद हम टारगेट पे अलर्ट्स लगाएंगे। अगर टारगेट हिट होता है तो ठीक है, अदरवाइज स्टॉप लॉस हिट होता है तो हम टारगेट को फिर से ऑफ कर देंगे। अगर टारगेट हिट होता है तो हमारी जो भी अपोजिट साइड की पोजीशन थी उसको ऑफ कर देंगे। तो मैं लाइव डेमो दिखाने वाला हूँ, 2 मिनट रुकिए। अब मैं चलता हूँ अपनी वेबसाइट पे, जो भी पेपर ट्रेडिंग के ऑर्डर आएंगे वो कहाँ आएंगे दिखा देता हूँ। ये गए और पेपर ट्रेडिंग के ऑर्डर इस पेज पे आएंगे, और इसकी वीडियो में पर्टिकुलर डाल चुका हूँ कि पेपर ट्रेडिंग के ऑर्डर कैसे दिखते हैं, कैसे लगाए जाते हैं, पर्टिकुलर वीडियो डाल चुका हूँ, आप देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। इस पर मैं क्लिक करूंगा, जो भी ऑर्डर आएंगे वो यहाँ दिख जाएंगे। तो अभी 9 बज के पहले तो अभी 5 मिनट लगेंगे, क्योंकि हमने क्या डाल रखा है, 5 मिनट की कैंडल को कैलकुलेट कर रखा है। फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल को कैलकुलेट कर रखा है कि भाई जो इसका फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल का हाई और लो हो वो ब्रेकआउट होने पे बाय एंड सेल आ जाए। जैसे आप यहां देख सकते हो, थोड़ा सा जूम करके अब दिखा देता हूं, 5 मिनट हम बात कर लेते हैं इसके ऊपर। तो यहां देखिए कि ये कल का डाटा है, इनने यहां पर लो को ब्रेकआउट करा तो सेल लिखा आ गया। जैसे ब्रेकआउट करेगा वैसे सेल लिखा आ जाएगा, उसके बाद हाई को ब्रेकआउट करा तो बाय लिखा आ गया, और फिर ये इसको ब्रेकआउट करा तो लॉन्ग एग्जिट आ गया। तो बाय डिफॉल्ट मैंने 1% का प्रॉफिट डाल रखा है दोनों साइड से। आप चाहो तो चेंज कर सकते हो और उसी के हिसाब से आप अलर्ट लगा सकते हो। अब मैं कुछ डाउट दूर कर दूं। पहला डाउट, काफी लोगों को चाहिए कि हमें भाई 5 मिनट की कैंडल, 15 मिनट की, 20 मिनट की, 1 घंटे की, 1 मिनट की कैंडल चाहिए हाई लो के लिए, क्या ये काम करेगा? जी बिल्कुल काम करेगा। जो टाइम फ्रेम आप सेट करोगे, जैसे मैंने यहाँ 3 मिनट करा तो ऑटोमेटिक 3 मिनट की कैंडल का कैलकुलेट करने लगेगा। मैंने यहाँ पर 1 आवर करा, ये ऑटोमेटिक 1 आवर की कैंडल को कैलकुलेट करने लगेगा। ये देखिए आप ऑटोमेटिक, तो जो भी टाइम फ्रेम आप सेलेक्ट करोगे इस इंडिकेटर में, मैंने 10 मिनट करा, ऑटोमेटिक 10 मिनट की करने लगेगा। तो जो भी आप, अब क्या है कि मैं टाइम चेंज कर रहा हूं तो ये नहीं कि मेरे कंडीशन भी चेंज हो रही, जो मेरे अलर्ट्स बने वो यहां सेव हो गए, मैं आपको दिखा देता हूं, वो सेव हो गए। और इधर आप देखोगे सबके पीछे है ना 5 मिनट 5 मिनट लिखा है, तो डाटा हुए इसके अंदर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में सेव हो गए। अब वो जब भी सिग्नल देंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देंगे। अगर मैं पीसी बंद भी कर देता हूं, अगर मैं रियल ट्रेड कर रहा हूं या पेपर ट्रेडिंग कर रहा हूं, मैं पीसी बंद भी कर देता हूं जब भी ऑर्डर आएंगे, उसे मैटर नहीं पड़ता क्योंकि अब हमने सेव कर दिए और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, ये मैंने पहला डाउट दूर कर दिया कि 5 मिनट 15 मिनट कैंडल, जो भी कैंडल हम यूज करते हैं सपोर्ट करेगा। दूसरे लोगों का डाउट ये होता है कि सर हम इसके अंदर कस्टम कैंडल यूज कर सकते हैं। काफी लोग जैसे कि 9 बज के 25 मिनट की कैंडल यूज करना चाहते हो, कैसे करें? तो आपको क्या करना है, आपको इधर आना है, दिखा देता हूं, इधर आना है, ये रही इंडिकेटर की सेटिंग, इस पर क्लिक करना है एंड इनपुट में जाना है। यहाँ 9 बज के 15 मिनट लिखे हुए, आपको 9 बज के 25 मिनट कर दे, ओके कर दे रहा है। तो ये देखिए आगे बढ़ गया, ऑटोमेटिक आपकी जो कैंडल कहोगे वो कैंडल को ये सेलेक्ट कर लेगा। उसके बाद आप अपने कंडीशन बनाइए और काम करिए। तो मैं अभी बाय डिफॉल्ट यही कर देता हूं, इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा बाद में, बट अभी के लिए मैंने आपको दिखाया। अच्छा, काफी लोगों का क्वेश्चन ये है कि हम क्या टेक प्रॉफिट एंड स्टॉप लॉस डाल सकते हैं इसके अंदर, मतलब जो भी हमारी पोजीशन होती है उसके अकॉर्डिंग हम अपना टेक प्रॉफिट लगा सकते हैं? जी बिल्कुल लगा सकते हो, ये परसेंटेज में बना रखा। सपोज मानिए आपकी हाई की पोजीशन ब्रेकआउट होती है और आप चाहते हो 1% प्रॉफिट लेना, तो बाय डिफॉल्ट 1% है, पर आप चाहते हो नहीं मेरे को तो 2% लेना है, आपको इंडिकेटर में आना है, यह लिखा हाई बफर, यह 2 करना है, तो 2% के ऊपर ये लग जाएगा, ये 2% चले गया। अब आपको इस पर अलर्ट बनाना है, अलर्ट जैसे मैंने अभी बनाया था वैसे ही बनाना है, बस कोड का फर्क होता है। अगर आप रियल ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको रियल ट्रेडिंग के सेंटेक्स डालने होते हैं, रियल ट्रेडिंग के सेंटेक्स आप इधर से जनरेट कर सकते हो। एंड कोई दिक्कत होती है तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, वहां आपको पता चल जाएगा। एंड पेपर ट्रेडिंग के कोड आप यहां से जनरेट कर सकते हो, बस इस इंडिकेटर के अंदर मैंने इनबिल्ड कर रखे, तो आपको वो भी जनरेट करने की जरूरत नहीं। अच्छा, ये भी क्लियर कर दिया, इसे फिर से डिफॉल्ट कर देता हूं मैं, ये गया मैं एंड इसे मैंने डिफॉल्ट कर दिया। अच्छा, एक चीज और बता दूं, इस इंडिकेटर का मैंने एक पार्ट और बना रखा है जिसके अंदर मैंने इसके अंदर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऐड कर रखा है, तो उसकी वीडियो में बाद में बताऊंगा। अगर आपको लगता है कि ट्रेड लेने के बाद इसके अंदर ट्रेलिंग होने लग जाए तो वो मैंने चीज इसमें बना रखी है, आप मुझे कमेंट करिए कि हाँ वो चीज सही है, तो मैं उस चीज को लॉन्च कर दूंगा। इसके अंदर जैसे ही ट्रेड लेता है तो ऑटोमेटिक ट्रेल होने लगता है, अगर आपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के अलर्ट्स बना रखा है तो ये ट्रेल भी होता रहेगा। बस उसके अंदर एक छोटी सी कमी है, जिस कैंडल पे ट्रेड लेता है उस कैंडल से ट्रेल नहीं होता, अगली कैंडल से ट्रेल होता है, बस ये फर्क है। अगर शॉर्ट साइड से लेगा तो अगली कैंडल से ट्रेल करना शुरू करेगा, लॉन्ग साइड से लेगा तो अगली कैंडल से ट्रेल करना शुरू करेगा, सेम कैंडल से नहीं करेगा।
तो जैसे हम देख सकते हैं 9:19 हो गए, अब 9:20, अभी आप देखोगे 5 मिनट की कैंडल बन भी गई, जितने भी स्टॉक थे सब में 5 मिनट की कैंडल बन गई है। जैसे मैं इधर आता हूँ हिंडाल्को ले लेता हूँ, हिंडाल्को ये देखिए 5 मिनट की, अब अगली कैंडल का वेट करना हमें, जो ब्रेकआउट होगा बन गई पूरी 9:20 हो गए। अब जो भी अलर्ट्स आएंगे, जैसे अब ये देखिए इसके अंदर अलर्ट्स आए, थोड़ा सा इसे जूम कर देता हूँ, एनटीपीसी के अंदर क्या टूटा है इस पे क्लिक करते हैं, जो भी अलर्ट आएगा उस पे क्लिक करोगे देखो इधर हाई टूटा, ये लिखा आ गया ना लॉन्ग। अब हमें क्या करना फटाफट, हमें है ना ये देखिए आईओसी में भी हाई आ गया, मतलब कुछ ब्रेकआउट हुआ, फटाफट हमें ब्रेक जो हम मेथड यूज कर रहे हैं, हम टेक प्रॉफिट वाला मेथड यूज कर रहे हैं, हमें 1% जो प्रॉफिट है वो बुक करता है। तो उसके लिए देखो ये 4 आ गए, 5 आ गए, और इसमें तो स्टॉप लॉस हिट हो गया वेदांता के अंदर। तो फटाफट हमें क्या करना है, जो मैं मेथड यूज कर रहा हूँ टेक प्रॉफिट बुक करने वाला कर रहा हूँ, तो हम फटाफट इधर जाएंगे, इसमें हाई टूटा है तो हाई के लिए क्या करेंगे, इधर गए एंड यहां पर गए ये लिया। अब हाई के लिए जो हाई ब्रेकआउट का प्रॉफिट है वो ये रहा, इसे डाला, कोड अपने आप आ जाएगा, सॉरी ये तो रियल ट्रेडिंग के, इधर गए हमने इधर डाला हाई ब्रेकआउट, इसे डाला ऑटोमेटिक कोड आ गया, सेव कर दिया, तो इसका प्रॉफिट अब अपने आप बुक हो जाएगा अगर ये 1% ऊपर जाता है। उसी तरीके से अब मैं आईओसी खोल लेता हूँ, देख लेते हैं इसके अंदर किस साइड का प्रॉफिट बुक कर रहा है, तो इधर लो साइड का प्रॉफिट बुक कर रहा है। तो हम क्या करते हैं फिर से इधर गए एंड अपना टेक प्रॉफिट लगाना, कह रहा हूं मैं इसे, ये ट्रेड लेने के बाद करना पड़ता है, अगर ट्रेड से पहले करोगे तो क्या दिक्कत आएगी मैं अभी आपको बताऊंगा। ये लो लगाया क्योंकि हमें अभी पता नहीं है ना लॉन्ग साइड का लगाना शॉर्ट साइड का लगाना, अभी कंफर्म हो गया है कि अभी जो हम तरीका यूज कर रहे हैं फुली ऑटोमेशन यूज नहीं कर रहे, सेमी ऑटोमेशन यूज कर रहे हैं, इसका क्या बेनिफिट है वो भी बताता हूं मैं आपको। एंड ये मैं टाटा मोटर पे गया, इधर भी हाई हुआ है, तो मैं यहाँ प्रॉफिट दिखाने के लिए नहीं हूँ, एक बार बता दूं मैं यहाँ एक डेमो दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर किस तरीके से ट्रेड हो रही है, और मैंने ये हाई सेलेक्ट करा, हाई बफर टूटा है तो हाई बफर का टेक प्रॉफिट सेलेक्ट करा। एंड इसके अंदर तो हमारा जो वेदांता है इसके अंदर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब ये देखिए एक एग्जाम्पल है लाइव दिखा देता हूँ, एंड स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ, इधर तो 2 ट्रेड आई है, और 2 ट्रेड क्यों आई है समझ नहीं आया मेरे को, मेरे को लगा स्टॉप लॉस हिट हुआ है, बट यहाँ पर एक बार देख ले कि अच्छा मेरे को समझ आ गया हाई बफर। एंड दिक्कत क्या होगी कि हमने है ना वेदांता के अंदर अलर्ट्स गलत बना दिए, मैं आपको दिखाता हूँ, इधर गए एक्टिव सिंबल में गए, हमने 2 अलर्ट्स बनाए वेदांता के अंदर, एक के अंदर हमने क्या बनाया ये देखिए कैंडल का हाई ब्रेकआउट बना दिया, जबकि हमें यहाँ पर कैंडल हाई लेना चाहिए था, तो ये अलर्ट सबसे गलत बना, इसकी वजह से ट्रिगर हुआ है। एंड दूसरा हमने क्या करा है कि दूसरा भी हमने कैंडल का हाई ब्रेकआउट बना दिया जो कि हमारे किसी काम का नहीं, तो दोनों ही हमारे किसी काम के नहीं है और इसलिए ये टिगर हो गए, तो ये हमारी एक ट्रेड गलत हो गई क्योंकि हमने कंडीशन गलत डाली, तो हम इसे काउंट नहीं करेंगे। अच्छा जो भी ट्रेड आई आप देख लेते, आप इधर जाओगे चैनल पे वेबसाइट पर और इसे रिफ्रेश मारोगे इधर से, तो ये जितनी भी ट्रेड आपकी एक्टिव है, ये देखिए जितनी भी ट्रेड आपकी एक्टिव है वो आपको सारी दिखेगी, तो इसके अंदर आपको वेदांता भी दिख रहा है एंड ये भी दिख रहा है। वेदांता इसलिए दिख रहा है क्योंकि उन्होंने बाय कर लिया है ऊपर की साइड में, मतलब ये हमारा गलत तरीके से बाय करा, तो हम इसे ना काटेंगे ना इसके बारे में बात करेंगे, इस ट्रेड को काटेंगे भी नहीं, बाकी और जितनी भी ट्रेड है उसमें हमने सही अलर्ट्स लगाए उसके बारे में हम बात करेंगे। तो हम चलते दोबारा से यहाँ पर कहा गया यहाँ पर चलते, तो ये हिंडाल्को में भी एक सिग्नल आया देख लेते, लॉन्ग साइड का सिग्नल आया, तो इसमें फटाफट हम क्या करेंगे, हम अलर्ट्स लगाएंगे टेक प्रॉफिट का। अच्छा अब मैं आपको बता दूं, ये टेक प्रॉफिट लगाने के बाद बताता हूँ, ये टेक प्रॉफिट का लगा दिया। अब मैंने आपको पता, हमें ये नहीं पता था कि लॉन्ग आएगा शॉर्ट आएगा, तो जब हमारी कंफर्म हो गई कि लॉन्ग आया है तो हमने टेक प्रॉफिट लगाया, ये सेमी ऑटोमेशन है। अब जब हमारा टेक प्रॉफिट हिट हो जाएगा या स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, बाय ऑटोमेटिक देखिए इसके अंदर ये स्टॉप लॉस बना हुआ है और ये हमारा टेक प्रॉफिट, अब इसमें से एक चीज हिट होती है तो दूसरे अलर्ट्स को हमें ऑफ करना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं तो दूसरे स्टॉक अगर एक चीज हिट होती है और दूसरा टिगर हमारा ऑन है, अगर वो कंडीशन मैच होती है तो दोबारा हिट हो जाएगा। ये सेमी ऑटोमेशन स्ट्रेटजी क्यों बनाई हुई है मैं बता देता हूँ, इस तरीके से आप काम करते हो तो आप है ना प्रॉफिट में जाने के चांस आपके ज्यादा होते हैं, क्योंकि आपके पास पता है कि आपको कितना टारगेट लेना है, प्लस आपको इस स्ट्रेटजी का ये बेनिफिट होता है 50 स्टॉक ऐड कर रहे हो तो आपका मार्जिन ब्लॉक नहीं होता। आप जब रियलिटी में ट्रेड कर रहे हो रियल एक्सचेंज पे, तो आपने कंडीशन लगा रखी, जब कंडीशन फुलफिल होगी जब आपका मार्जिन यूज में लिया जाएगा, तो आप ऐसे में जैसे आपके पास 1 लाख रुपए
तो अभी आप मेरे वाले ट्रेड करते हो तो आपको इस कंडीशन के साथ आपको मार्जिन ब्लॉक करना होता है। अगर आपको 1 लाख के शेयर लेने एक ही स्टॉक में तो आपको 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे, दूसरा स्टॉक आप यूज नहीं कर सकते। बट यहां पर आप 1 लाख रुपए में 1000 शेयर पे एक कंडीशन लगा सकते हो अगर आपके पास ट्रेडिंग व्यू की फुल एक्सेस है। अभी के लिए जो नॉर्मल प्लान मिल रहा है 30 स्क्रिप्ट लगा सकते हो, तो कहने का मतलब मल्टी स्क्रिप्ट 1 लाख रुपए में मल्टी जगह लगा सकते हो जिसमें आपका मार्जिन ब्लॉक नहीं हो रहा। तो बहुत छोटी छोटी बातें जो एडवांस लोगों एडवांस चीजों को समझते हैं या ट्रेडिंग जानते हैं, ऑटोमेशन का क्या बेनिफिट है वो जानते हैं कि हाँ ऑटोमेशन में क्या बेनिफिट होता है। सबसे पहले आपको फोकस नहीं करना पड़ा, मैंने इतने इतने सारी कंडीशन बनाई थी, इतने सारी स्किप पे अलर्ट डाले थे, जहां कंडीशन मैच हुई वहीं मेरी ट्रेड डल गई। दूसरी बात, मेरा मार्जिन ब्लॉक नहीं हुआ। तीसरी बात, मैं इजिली काम कर पा रहा हूं, मेरे को देखने की जरूरत नहीं क्या है, क्योंकि मैंने पहले से अपना पैटर्न कर रखा है इंडिकेटर। तो ऐसे बहुत सारे इंडिकेटर है, 1000 से ज्यादा ट्रेडिंग व्यू पे इंडिकेटर है, 250 से ज्यादा इनबिल्ड इंडिकेटर है ट्रेडिंग व्यू पे, और कुछ मेरे पब्लिक इंडिकेटर है। आप कोई भी इंडिकेटर यूज कर सकते हो, तो ये भी मेरा ही एक इंडिकेटर है। अब ये देखिए येस बैंक के अंदर एक सिग्नल आया, आप देख सकते हो, एंड इधर भी हाई ब्रेकआउट हुआ है, और इत्तेफाक की बात है कि हाई ब्रेकआउट होते के साथ ही टारगेट भी हिट हो गया। तो हम दोबारा से टारगेट बुक करने के लिए यहां कर लेते हैं, इधर गए कस्टम पे गए, टारगेट बुक हो गया पर हमारा अलर्ट्स नहीं लगा हुआ था तो इसलिए वर्क नहीं करा, तो हमने टारगेट बुक करने के लिए सेव करा। अब भी टारगेट हमारा बुक हो जाएगा, देखो बहुत ऊपर जा रहा, 24 रुपए हो गया, तो हमने हमारा टारगेट हिट हो गया। अगर हम साइट पे जाते तो यहां पर देखिए, अब आपको दिखा देता हूं, एक ही बुक में टारगेट हिट हुआ है, ये गए हमने सेव करा, एक बार दिखाता हूं फिर मैं आपको बताता हूं। तो लोड ले रहा है, जो भी डाटा है वो हमारे डाटा बेस से आता है, तो यहां थोड़ा सा आपको टैब लगेगा, ये आ गया था, ये देखिए ये एंट्री ली ने यस बैंक में 24 रुपए में, और निकला क्या है 24 रुपए 4 पैसे पे, मतलब 1% का इतने प्रॉफिट यहां पर ले लिया, क्योंकि हमने 1% का टारगेट डाल रखा है। अच्छा एक चीज और दिखा दूं मैं आपको, हम चलते हैं यहां पर, और यहां पर जाने के बाद मैं आपको बता दूं, अभी यस बैंक के अंदर मेरी एक कमांड रह गई होगी, हमारा टारगेट तो बुक हो गया, ये चीज मैं आपको समझाने वाला था, एक मिनट करंट सिंबल पे आता हूं। ये देखिए एक कमांड, ये ग्रीन कलर की दिख रही है, ये ऑन है। क्यों ऑन है? क्योंकि हमारे एक कंडीशन शॉर्ट साइड पे भी लगाई थी कि शॉर्ट साइड ब्रेकआउट हो तो हमारा सेल हो जाए, तो जब हमारा टारगेट हिट हो जाता है तो हमें इसे ऑफ करना होता है। ऑफ करने के लिए आप इस पर क्लिक करोगे और ये ऑफ हो जाएगी। ऐसे अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और आपने टारगेट लगा रखा है तो टारगेट को ऑफ करना होता है। तो हम अभी सिंबल को हटाते हैं, अब हमें सारी स्किप दिखेगी कौन कौन सी और है। तो यस बैंक पे हमारा टारगेट हिट हो गया, और थोड़ा सा देख लेते हैं। अच्छा ये वीडियो में ज्यादा लंबे रिकॉर्ड नहीं करूंगा, एज अ डेमो के लिए वीडियो थी, एंड मेरे को बहुत सारे अभी काम भी करने हैं, तो ये वीडियो में 1-2 टारगेट और हिट हो जाए या स्टॉप लॉस हिट हो जाए देन मैं आपको दिखा देता हूं। एक डेमो तो दिखा दिया इस तरीके से ट्रेड होती है, एंड आप अपना प्रॉफिट लॉस, अगर ये पेपर ट्रेडिंग कर रहा था, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, ये पेपर ट्रेडिंग कर रहा था, आपको रियल ट्रेडिंग करनी हो तो आप क्या करते हो थोड़ा सा दिखा देता हूं आपको। जैसे ये अलर्ट से इसे खोल लिया मैंने, तो अबे पेपर ट्रेडिंग कर रहा हूँ, यहाँ पे कंडीशन बनानी पड़ती है, तो कंडीशन में अभी मैं पेपर ट्रेडिंग के कोड ले रहा हूँ, तो मैं दिखा देता हूँ, ये पेपर ट्रेडिंग के कोड है नीचे वाले, ऊपर के 4 जो है ये रियल ट्रेडिंग के, पर इसमें कोड नहीं है, आपको इसके अंदर सेंटेक्स डालना पड़ेगा कि आप क्या बाय करना चाहते हो, क्या सेल करना चाहते हो, ठीक है जी। तो वो चीज आपको डालनी पड़ेगी, उसकी वीडियो डाल रखिए, देन ये वर्क करेंगे। हाँ पेपर ट्रेडिंग करते हो तो इसके कोड इनबिल्ड कर रखे, तो अगर आपको आप ट्रेडिंग हमारे वेबसाइट के पैड मेंबर हो और उसके बाद आप इस इंडिकेटर को यूज करते हो तो आपको ये पेज भी दिखेगा पेपर ट्रेडिंग वाला, आपको आप उसको यूआरएल को डालोगे तो ये वर्क भी करेगा जैसे भी मेरे में वर्क कर रहा है। अगर कोई भी दिक्कत होती है तो फिर आप बता सकते हो। तो वेट करते हैं अब कि अगर कुछ देखने को मिले तो मैं दिखाता हूँ, नहीं तो अदरवाइज मेरे को ये वीडियो को बंद करना पड़ेगा क्योंकि मेरे को और भी सारे काम कर दे। तो थोड़ी देर के लिए मैं पुश कर देता हूँ वीडियो को, अगर कोई सिग्नल आता है फिर मैं आपसे बात करता हूँ। तो आपको आइडिया तो लग गया होगा किस तरीके से काम करता है, जब भी मैं इसे स्टॉप कर देता हूँ अगर कोई सिग्नल वगैरह आता है तो फिर मैं आपसे बात करता हूँ। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो कि एक ट्रेड और आई है ONGC में शॉर्ट साइड की, एंड मैं इस पर अलर्ट्स लगा देता हूँ आपके सामने, और साथ ही मैं आपको बता देता हूँ ये मैंने अलर्ट्स लगाया एंड ये लो साइड का लो बफर लगाया। एक मैं ओवरव्यू दे देता हूँ, ये अलर्ट्स तो लगा दिया मैंने आपको, घर में आपको एक बार ट्रेड भी दिखा देता हूँ जो भी ट्रेड आती है वो कैसे दिखती है। हाँ पेपर ट्रेडिंग के पेज पे जाएंगे, ये मास्टर रिफ्रेश के बटन को क्लिक करेंगे, जितनी भी ट्रेड आई है आपकी वो सारी दिख जाएगी। तो ये सारी नीचे ओपन ट्रेड है, बस इसके अंदर से आज जो एक ट्रेड है जिसके अंदर हमें टारगेट हिट हुआ है, स्टॉप लॉस या टारगेट हिट हुआ, वो ओनली फॉर वन ट्रेड है, वो येस बैंक है जिसके अंदर हमारा टारगेट हिट हुआ है।
तो मैं अब एक बार को आपको ओवरव्यू दे देता हूँ फिर से, क्योंकि मैं वीडियो को लंबी नहीं बना सकता और सिग्नल नहीं आ रहे, और ये वीडियो 3 बजे तक बन जाएगी और मैं इतनी बड़ी वीडियो को बना के और साथ के साथ मेरे को और भी काम करने नहीं कर सकता, तो एक डैम होता। तो मैं आपको समझा दूँ फिर से एक बार। हमने क्या करा, ये इंडिकेटर ये 4 तरीके के सिग्नल देता है। पहले हमने ये देखा, पहला सिग्नल देता है ओपनिंग रेंज लो, मतलब जो भी कैंडल हम सेलेक्ट कर रहे हैं उसका लो एंड उसका हाई। उसके बाद इसमें हाई बफर है, लो बफर है, ये एडिशनल है, आप चाहो इसे रख सकते हो, आप चाहो इसे निकाल सकते हो। दो चीज पता चल गई। तीसरी बात, इसके अंदर आप पेपर ट्रेडिंग करना चाहते हो तो इनबिल्ट कोड है, ठीक है जी। अगर आप रियल ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आपको सेंटेक्स ऐड करने पड़ते हैं। चौथी बात मैं आपको बता दूं, इसके अंदर 2-3 तरीके से काम होता है। जो हमने आज तरीका यूज करा है वो सेमी ऑटोमेशन वाला है, कि हम पहले ये देखते हैं कि हमारी कौन सी पोजीशन आ रही है, उसके बाद हम टारगेट लेते हैं। पर अगर आप चाहते हो कि आपको टारगेट लेना ही नहीं है, आप ऊपर वाले जो इस टारगेट है, हाई बफर है और लो बफर को यूज ही नहीं करना चाहते, आप चाहते हो कि भाई मेरी ट्रेड अपने आप ही 3:30 बजे कटे, जितना भी प्रॉफिट हो रहा है, तो आप इसे ऑन रहने दो, ऑटोमेटिक आपका एक अपोजिट साइड का स्टॉप लॉस बन जाएगा। और आप चाहते हो नहीं, मेरी ट्रेड है ना, इससे ट्रेड तो हो पर मेरी ट्रेड टारगेट से हिट ना हो, मेरा एक टाइम है कि 12 बजे निकल जाऊं, तो वो भी आप कर सकते हो। एक इंडिकेटर की आपको एक्सेस लेनी पड़ेगी, वो 12 बजे सिग्नल देगा, आपकी सारी ट्रेड कट जाएगी, पर कंडीशन एक है। अगर आप सारी काटना चाहते हो ट्रेड एक ही सिग्नल से, तो आपका कवर ऑर्डर होना चाहिए या ब्रैकेट ऑर्डर होना चाहिए। कंडीशन 1 ये मैंने आपको बता दी। कंडीशन 2 कि अगर आप चाहते हो नहीं मैं तो ब्रैकेट से कवर से नहीं चाहता, मैं तो चाहता हूं कि हाँ मेरे रेगुलर ऑर्डर ही कटे और 12 बजे ही कटे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पर्टिकुलर कोड डालना पड़ेगा। जैसे आपने बाय कर रखा है तो 12 बजे वाली कमांड के अंदर आपको सेल का कोड डालना पड़ेगा। अगर आपने 1000 क्वांटिटी बाय कर रखी है तो 1000 सेल की क्वांटिटी डालनी पड़ेगी, तो 12 बजे वो ऑटोमेटिक आपकी ट्रेड काट देगा। बट आपको एक चीज याद रखनी है, जब ऑटोमेटिक ट्रेड कटेगी तो आपकी एक साइड की पोजिशन जब भी ऑन होगी, एग्जाम्पल के लिए आपने आज शॉर्ट करा है तो बाय वाली साइड पोजीशन अभी आपकी ऑन है, जो कि आपका स्टॉप लॉस काम कर रही है, तो इसको आपको है ना इस पे क्लिक करके ऑल ऑल ऑफ करने पड़ेंगे, ऑल स्टॉप, तो सारे स्टॉप हो जाएंगे। तो ऐसे काफी सारे वे हैं। अगर मैं वीडियो बनाने बैठूं तो करीबन 15-20 तरीके से वीडियो बना सकता हूं, एंड इतना टाइम है नहीं। मतलब मेन थिंग ये है कि आपको जैसा सूट होता, पूरा कस्टमाइजेबल है, आपको जैसा सूट होता आप वैसे करिए। तो अभी के लिए हम ज्यादा ट्रेड नहीं ले रहे, ज्यादा ट्रेड बोले तो अभी देखिए अगर हम इसमें एक्टिव पे जाते हैं तो ये देखिए कितने सारे एक्टिव सिग्नल है अभी, जो एक्टिव अलर्ट है जिनका अभी यूज ही नहीं हुआ। बट अभी हमें बैठे रहना पड़ेगा, और बैठे रहने के लिए ऐसे OMG से पे तो हम है ही, हिंडालको पे आते हैं। हिंडालको के अंदर देखते अभी हमारा ये लॉन्ग हिट हुआ था, उसके बाद वही नीचे की साइड जा रहा, टारगेट से काफी दूर है। टाटा मोटर पे चलते हैं। अच्छा, इसको आप बैक टेस्ट कर लेना, बहुत अच्छा चलता है, पीछे का डाटा देख लेना। मेरे हिसाब से 15 मिनट के टाइम फ्रेम में बहुत अच्छा चलता है, बाकी आपको जैसा टाइम फ्रेम अच्छा लगे आप वैसे कर सकते हो। ये देखिए स्टॉप लॉस हिट होने वाला है इसके अंदर, तो जैसे स्टॉप लॉस हिट होता है मैं दिखाता हूँ। ये हमारा टाटा मोटर है, देखो इनने इधर बाय करा था, 100 क्वांटिटी बाय कर ली थी, अब ये सेल वाली कमांड हमारी ऑन है जो स्टॉप लॉस का काम कर रही है। अब आप चाहते हो मेरे को स्टॉप लॉस लेना नहीं, तो आप इसे स्टॉप कर सकते हो। तो अभी हिट नहीं हुआ क्योंकि उनने क्रॉस नहीं करा, जैसे ही क्रॉस अप करता है वैसे हिट हो जाएगा। तो अब आ जाते हैं हम IOC पे, तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर हमारा शॉर्ट था जो कि अभी वर्क नहीं कर रहा, मतलब ये स्टॉप लॉस हिट हो गया। मैं दिखा देता हूँ इधर ही गए, जो मैं जिसकी बात कर रहा था, जैसे ही ट्रिगर हुआ वैसे हिट हो गया। अगर आप देखोगे तो हम इधर रिफ्रेश करेंगे तो हमारी टाटा मोटर भी एग्जिट हो गई होगी, और इसके अंदर हमें करीबन 2% का लॉस हुआ, जो गैप था वो 2% के आसपास था। तो इस तरीके से काम करता है। आपको लगता है कि मेरे को स्टॉप लॉस नहीं लेना, तो जैसी आपकी ट्रेड डलती है एक साइड की, दूसरा इंडिकेटर आप ऑफ कर दो, ठीक है जी, तो आपका स्टॉप लॉस का काम ही नहीं करेगा वो। एंड इसका एक अल्टरनेटिव वे भी है मेरे पास, बट मैं आपको बाद में बताऊंगा। रियल ट्रेडिंग के लिए अगर आप चाहते हो कि हाँ आपकी एक ट्रेड डल जाए ये वाली, एंड दूसरी ट्रेड है ना आपकी क्या कहते हैं, नहीं नहीं वो इसके लिए अल्टरनेटिव नहीं आई थी, बाद में चलो मैं देख के बताता हूँ। बाकी जो अभी तक मैंने बताया उतना ही सही है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और फिर से मैं कहना चाहता हूँ, अगर कुछ समझ नहीं आ रहा आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगी। एंड फिर भी आपको कुछ नहीं पता चलता तो एनी डेस्क डाउनलोड करके मेरे को कॉल कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय।